फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। क्लास 12 का चैप्टर 6 स्टार्ट हो रहा है आज, और इसका नाम है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और इसमें हम लोग एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे और सोशल कॉग्निशन क्या होता है पहले वो डिस्कस करते हैं। ये सोशल साइकोलॉजी, अगर आपने सुना है तो उससे रिलेटेड है ये टॉपिक बहुत ज्यादा। सोशल साइकोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं कि लोगों का बिहेवियर जो है वो सोशल एनवायरनमेंट में कैसा होता है। सोशल एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे लोग हो, जहाँ पे आप दूसरों के साथ बात कर रहे हो, दूसरे लोग आपको देख रहे हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उस एनवायरनमेंट में हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होता है, अच्छा हो जाता है, खराब हो जाता है, अब हम घबरा जाते हैं या फिर हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, उसका क्या रीजन है, किस तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं और कैसा हम लोग इम्प्रेशन बनाते हैं दूसरों के ऊपर। और ये सारी चीजें करने के थोड़ा बहुत एटीट्यूड फॉर्म करने में भी हम लोग की हेल्प करती है, क्योंकि कौन किस तरह बिहेव करता है उसके बेस पे ही हम लोग अपना एटीट्यूड उसके बारे में बना लेते हैं। तो इसलिए ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है और ये सोशल साइकोलॉजी को टच करता हुआ टॉपिक है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोशल बिहेवियर की बात हो रही है, तो मैंने बताया आपको कि जब हम किसी के सामने कैसा बिहेव करते हैं उसको हम सोशल बिहेवियर बोलते हैं। सोशल बिहेवियर में जरूरी नहीं है कि हम वैसे ही बिहेव करें, एक्चुअली जरूरी नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि हम वैसा नहीं बिहेव करते जैसा कि हम अकेले में या घर में बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बिहेव करते हैं। सोशल बिहेवियर हमारा जनरली दूसरा ही होता है एक नॉर्मल हमारे कंफर्टेबल बिहेवियर से, पर्सनल बिहेवियर आप कह सकते हैं उसको। और इन फ्रंट ऑफ अदर्स कई बार क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी भी हो जाती है, कई बार ख़राब भी हो जाती है। जैसे आप कहीं पे ऑडियंस के सामने स्टेज पर कुछ बोलने गए हो और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके गए हो, तो कई बार आप बहुत अच्छा डिलीवर कर देते हो अपना प्रेजेंटेशन बहुत कॉन्फिडेंटली, और कई बार आप नर्वस हो जाते हो, खराब हो जाती है प्रेजेंटेशन या आपको लगता है आपने ठीक से बोला नहीं, तो ये सब सोशल बिहेवियर में आता है। इम्प्रेशन फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे हम किसी को देख के उसके बारे में कुछ इम्प्रेशन बना लेते हैं अपने आप ही अपने माइंड में, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, उसकी पर्सनालिटी को देख के, उसकी बात करने के तरीके को देख के, हर तरीके से हम कुछ ना कुछ अपने माइंड में किसी के बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये तो इस टाइप का लग रहा है, ये तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है, बहुत डम है। तो ये जो हम किसी के बारे में भी इन्फ्लुएंसेस बना लेते हैं ना, इन्फ्लुएंसेस मतलब हम एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं ये तो ऐसा है, जजमेंट पास कर देते हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है, ये तो वैसा लग रहा है, तो उस टाइप को, उस चीज को हम इम्प्रेशन फॉर्मेशन कहते हैं। हर बार नहीं होता कि ये ठीक ही हो, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हमारे खुद के एटीट्यूड पर भी डिपेंड करती है, हर कोई हर तरीके से अलग अलग तरीके से लेता है। तो मेकिंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट पीपल्स पर्सनैलिटी जो होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन। फिर आता है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन एक प्रॉपर्टी या फिर एक चीज होती है, क्या कॉज होता है, जैसे कि सपोज कोई बहुत हैप्पीली बिहेव करा आपके साथ, बहुत अच्छे से फ्रेंडली, तो आपने कोई ना कोई माइंड में कॉज बना लेते हो कि शायद इसका नेचर ही बहुत फ्रेंडली है, ये बहुत हेल्पफुल है, ये सबके साथ ऐसे ही बिहेव करता है। तो ये जो हम किसी के बिहेवियर के साथ एक रीजन जोड़ देते हैं ना, इसको एट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये रीजन हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो रीजन सही हो या वही रीजन हो उस वजह से। We assign some causes to the people behavior. हम कुछ ना कुछ cause जोड़ देते हैं पीपल के बिहेवियर के साथ। Suppose कोई अपने एग्जाम में फेल हो गया तो हम उसके साथ कोई ना कोई cause जोड़ देंगे कि ये तो ढंग से पढ़ता ही नहीं है, ये तो अपना टाइम वेस्ट करता है, ये सीरियस ही नहीं है पढ़ाई में। और अगर कोई बहुत अच्छा कर गया एग्जाम में और टॉप कर गया तो भी हम कोई ना कोई cause लगा देंगे कि इसकी तो, इसको तो बहुत सपोर्ट मिला था दूसरों से, इसकी तो कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा था। मतलब हम हर बिहेवियर के साथ एक ना एक कॉज लगा देते हैं, इस वजह से ऐसा हुआ, और इसको एट्रीब्यूशन थ्योरी बोलते हैं। जैसे आप कभी एमए वगैरह करोगे साइकोलॉजी में तो उसको, उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा कि अगर कोई फेल हो जाता तो हम उसके अपने कॉज बताते हैं उसमें कि उसकी गलती है, और अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता तो हम बाहर वालों की कॉज बताते हैं कि बाहर वालों ने सपोर्ट किया ज्यादा, उसका एनवायरमेंट अच्छा था। तो ये एट्रीब्यूशन में अभी आपके उसमें नहीं है, लेकिन आप आगे पढ़ोगे। उसके बाद एटीट्यूड आता है कि एटीट्यूड क्या होता है। अब अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखी जाए एटीट्यूड की, तो ये दोनों चीजें जो है ना, इम्प्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन, इन दोनों को मिला के एटीट्यूड बनता है। किसी के बारे में इम्प्रेशन हम बना लेते हैं अपने माइंड में, ये ऐसा है, ये वैसा है, और उसके पीछे हम कोई कॉज जोड़ देते हैं और हमारा एटीट्यूड उस तरीके से बन जाता है उसके ऊपर के हम उसके एटीट्यूड एक्चुअली होता है क्या है कि हम किसी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं या न्यूट्रल है बिल्कुल, कि हमें नहीं पता इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा इम्प्रेशन अच्छा बनता है
तो हम उसके पीछे अच्छा कॉज जोड़ देते हैं तो हमारा एटीट्यूड उसके लिए पॉजिटिव हो जाता है। अगर हमारे ऊपर किसी का इम्प्रेशन खराब बनता है हम उसके पीछे नेगेटिव कॉज जोड़ देते हैं, एट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाता है तो हमारा एटीट्यूड भी उसको लेके नेगेटिव हो जाता है। और कई बार न्यूट्रल रहता है जब हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमने अलग अलग टाइप के अलग अलग बिहेवियर देखा होता है किसी का, तो हम नहीं समझ पाते कि किस तरह का एटीट्यूड उसके ऊपर बना है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो एटीट्यूड क्या है, इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और लेकिन अगर हम तीनों चीजों को एक साथ लें, एटीट्यूड और इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन, तो ये तीनों मिला के बनता है सोशल कॉग्निशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके चैप्टर का। सोशल कॉग्निशन मतलब आपका माइंड जो है वो सोशल चीजों को कैसे रजिस्टर कर रहा है। आप गैदरिंग इंफॉर्मेशन, पहले इंफॉर्मेशन गैदर करी, किसी के बारे में इंप्रेशन बनाया, उसके पीछे का कॉज भी अपने आप सोच लिया, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोशल वर्ल्ड, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करा कि ये इस तरह का है, ये वैसा है, ये वो है, और अपना एटीट्यूड उसके लिए बना लिया, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये जब सारी चीजें कंबाइंड हो जाती है 1, 2 और 3, तो ये तीनों मिलके बनता है हमारा सोशल कॉग्निशन किसी भी चीज के लिए, कि हम उसके बारे में सोशली कैसे सोचते हैं, ठीक है। अब ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये टोटली उस पर्सन के ऊपर नहीं होता जिसके ऊपर आप ये सब इंप्रेशन बना रहे हैं, जिसके बारे में आप बना रहे हो, या आपके खुद के स्कीमास भी होते हैं। स्कीमास आप बहुत बेसिक वर्ड है, काफी पहले आपने पढ़ा हुआ है। स्कीमास क्या होते हैं, हमारे माइंड में एक पहले से ही मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी चीज के बारे में। जैसे हमें पता है कि ये पेन होता है, ये पेंसिल होती है, ऐसे ही हमें पता है कि जो पर्सन बहुत हैप्पी गो लकी है वो बहुत फ्रेंडली होता है। इस तरीके से हमारे माइंड में एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है कि जो चीज हमने पहले कभी देखी है ना, जो हमारे एक्सपीरियंस हमने कर रखी है, वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो चुकी होती है। और वही जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो स्कीमास होते हैं जो आगे की चीजों के बारे में कुछ इंप्रेशन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अब जो हमारे अगर हमारे स्कीमास ऐसे हैं कि हमने पॉजिटिविटी ज्यादा देखी है, तो हमारे वो स्कीमास ना आगे भी फर्दर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन हमने अगर हमारे स्कीमास थोड़े से नेगेटिव साइड में है, तो हमारा एटीट्यूड भी नेगेटिव साइड में ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस है बेसिकली, जिसकी वजह से हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन वैसा हो जाता है कि हम आगे फर्दर भी उन चीजों को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ये टोटली उस पर्सन के ऊपर नहीं है जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या आपकी खुद के स्कीमास भी होते हैं। तभी तो ऐसा होता है कि एक ही पर्सन किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत खराब लगता है। सबके साथ सबकी दोस्ती क्यों नहीं होती, इसीलिए नहीं होती क्योंकि खुद के अपने अपने स्कीमास भी होते हैं। सिर्फ सामने वाले पर डिपेंड नहीं करता कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें सोशल फैसिलिटेशन एक वर्ड है, सोशल फैसिलिटेशन या इनिबिशन दोनों बोलते हैं। फैसिलिटेशन तब बोलते हैं जब हम किसी के सामने हमारी जो परफॉर्मेंस है वो और इम्प्रूव हो जाए। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ अदर्स, हम लोग अकेले में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इतना अच्छा नहीं कर पाते अकेले में मिरर के सामने, लेकिन हम जैसे स्टेज पे गए हम सडनली बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गए क्योंकि हमें पता है लोग देख रहे हैं। तो वो तो हो गया सोशल फैसिलिटेशन। लेकिन अगर हम नर्वस हो जाए, खराब परफॉर्म कर दें, जहाँ पे हमारी डिक्लाइन आ जाए परफॉर्मेंस में, वो होता है इनहिबिशन, सोशल इनहिबिशन, कि हमने वैसे तो बहुत अच्छी स्पीच तैयार की थी लेकिन जैसे स्टेज पे गए वहां पे जाके हमने भूल गए, कुछ और बोल दिया, तो वो हो गया सोशल इनहिबिशन, ठीक है। ओके, दूसरा है, ये सोशल बिहेवियर में आता है आपका पहला पॉइंट। दूसरा है प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल आपको पता है यहाँ पे प्रो का मतलब है किसी के लिए बहुत पॉजिटिव होना, ठीक है। तो प्रो सोशल मतलब जब आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप लोगों की बहुत हेल्प करते हो, जो नीड में होते हैं उनकी बहुत हेल्प करते हो, जैसे सड़क पे कोई गिर गया आपने उसको उठाया जाके, ये दोनों ही दोनों चीजें मिलके आपका सोशल बिहेवियर बताती है कि आप सोशल फैसिलिटेशन फैसिलिटेट हो जाते हो सोशल गैदरिंग में, कि इनिबिट हो जाते हो, कि और अच्छा करते हो, कि और डर जाते हो, या फिर आप प्रो सोशल हो कि नहीं हो, ये दोनों मिलके आपका बनता है सोशल बिहेवियर। और सोशल कॉग्निशन हमने कहा पढ़ा था यहाँ पे, कि यहाँ 1, 2, 3 मीन्स एटीट्यूड इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन मिला के बनता है सोशल कॉग्निशन। अब जब फाइनली हम इन दोनों को जोड़ दें, सोशल बिहेवियर और सोशल कॉग्निशन को टुगेदर अगर हम जोड़ें, तो हमें पता चलता है कि किसी का सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस क्या होता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस ऑन एन इंडिविजुअल मतलब पूरे सोसाइटी का एक इंडिविजुअल पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, इससे हमें पता चलता है उसके बिहेवियर से और उसके कॉग्निशन से।
मतलब आप एक सोसाइटी में, एक सोशल गैदरिंग में, एक सोशल एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव कर रहे हो, ये किस पे डिपेंड होता है? एक तो आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, इन दोनों में से प्रो सोशल है कि नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटेटर है कि इनहिबिटर है। दूसरा आपका सोशल कॉग्निशन कैसा है किसी के बारे में, एटीट्यूड कैसा है, इम्प्रेशन कैसा है, ठीक है? तो ये दोनों चीजें मिलके हम स्टडी करते हैं। इन दोनों को हम स्टडी करते हैं क्या जानने के लिए कि सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस क्या है हमारे ऊपर, किसी भी एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है सोशल एनवायरनमेंट का। तो ये आपका, मैंने अभी आपको सोशल कॉग्निशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया। नेक्स्ट वीडियो में एटीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे कि एटीट्यूड कैसे फॉर्मेशन होता है और उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो इसको यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।